अपने अपने हक के लिए कौन नहीं लड़ना चाहेगा? यहाँ के जो मूल निवासी या आदिवासी लोग हैं, अपने उनका हक छीनेगा तो हम तो लड़ेंगे ना। हम बुढ़वा का आदिवासी थोड़ी है जो पहले जो कुछ भी बता दिया, हमारा दिमाग घुटना में अब नहीं है। भोजपुरी, मगही जैसे भाषाओं को ऐड करके, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वर्तमान की सरकार जो बाहरी लोगों हैं उन्हें झारखंड में आने के लिए खुला ऑफर दे रहे हैं। अपना हक नहीं लेंगे तो क्या फायदा उस पढ़ाई का? पहले आंदोलन फिर पढ़ाई। जो सर रिसेंट की सरकार है वो हम युवाओं के साथ बार बार तमाशा ही कर रही है, खेल रही है, बोलती कुछ और है, कर कुछ और रही है। अगर झारखंड को जलने से बचाना है तो 1932 खतियान और नियोजन नीति आपको लागू करना होगा किसी भी कीमत पर। झारखंड में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच में एक बार फिर से भाषा आधारित आंदोलन की जमीन तैयार होने लगी है। दरअसल क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में बाहरी भाषाओं को शामिल करने को लेकर के आदिवासी मूलवासी समाज के लोग एक बार फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पीछे जो तमाम जो लड़के लड़कियां आपको नजर आ रहे हैं, तमाम लोग इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कुछ एक लड़कियाँ हैं, छात्राएँ हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अब अपना नाम बता दें। मेरा नाम ज्योत्सना क्रिकेटा है। बताइए कि आखिर ये आंदोलन, एक बार तो भाषा को लेकर आंदोलन चल ही रहा, फिर इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? आज देखिए झारखंड अलग राज्य बने 22 साल हो गया है, लेकिन भाषा को लेकर आज भी आंदोलन जारी है। क्योंकि यहाँ की जो अभी वर्तमान की सरकार है, ठीक है, उन्होंने बोला था युवा जो है कि बाहरी भाषा को वो लोग सम्मिलित कर रहे हैं, तो यहाँ के जो जैसे कि 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा है, तो 4 क्षेत्रीय भाषा है तो उसी में हर कंपटीशन में वही रहना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं वर्तमान की सरकार, जो बाहरी लोगों हैं उन्हें झारखंड में आने के लिए खुला ऑफर दे रहे हैं। जैसे अभी JSSC के एग्ज़ाम में बाहरी भाषा को उन्होंने ऐड किया हुआ है, तो इससे यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए तो बहुत कष्टदायक है। अगर झारखंड को जलने से बचाना है तो हेमंत सोरेन को नियम लागू करना होगा और 1932 खतियान आधारित जल्द से जल्द लागू करना होगा, तभी इसका कुछ हल निकाला जा सकता है। वरना हम यहाँ के जो युवा हैं उनका लाइफ तो ऐसे भी चौपट है। तब हम लोगों ने देखा कि ऐसे आंदोलन में ज़्यादातर नौजवान लड़के ही शामिल होते हैं, लड़कियों की संख्या आमतौर पर कम नज़र आती है। आप लोग किस उम्मीद और भरोसे के साथ शामिल हुए हैं इसमें? ऐसा नहीं है कि लड़कियों की संख्या भी कम है, आते हैं लोग लेकिन सामने खुल के नहीं आ पाते हैं और ज़्यादा बोल भी नहीं पाते। तो जितना हो सकेगा हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, 1932 खतियान जो वर्तमान की सरकार है उन्हें लाने की जो है जल्द से जल्द आवश्यकता है, नहीं तो फिर हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। जैसे 31 मार्च को देखे थे आप बोकारो, 21 जनवरी को बोकारो और धनबाद में जैसे मानव श्रृंखला निकाला गया था, अगर वर्तमान सरकार इसके खिलाफ भी अगर कुछ नहीं करती है तो हम लोग उन्हें चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और उन्हें घुटने टिकाने का काम करेंगे। चूंकि आप लोग विभिन्न विभागों में पढ़ाई करती हैं, अपने करियर भी बनाना चाहती हैं, तो आपको लग रहा है कि इस आंदोलन की वजह से आपके करियर भी स्पॉइल हो सकता है? जी बिल्कुल स्पॉइल हो रहा है, ये बार बार खिलवाड़ कर रही है। जो सर रिसेंट की सरकार है वो हम युवाओं के साथ बार बार तमाशा ही कर रही है, खेल रही है, बोलती कुछ और है, कर कुछ और रही है, तो ऐसा हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि अभी वैकेंसीज में बाहरी भाषा को ऐड करें, जैसे कि हिंदी इंग्लिश जो है इंटरनेशनल और नेशनल भाषा है, तो वो यहाँ की जो एग्ज़ाम है उसमें सम्मिलित नहीं किया गया, तो आप उर्दू लैंग्वेज को क्यों यहाँ ऐड कर रहे हैं? जैसे उड़िया यहाँ की भाषा नहीं है, उड़िया यहाँ सिर्फ मान लीजिए 100 लोग ही बोलते हैं, तो 100 लोगों के कारण हम बाहर उड़ीसा के लोगों को 10 लाख लोगों को यहाँ पर थोड़ी नहीं उतार देंगे हम कि आइए यहाँ की वैकेंसीज़ में आप ऐड कीजिए और अपने आप जॉब लीजिए। यहाँ से बड़ा यहाँ जितने भी उच्च डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं सब बाहरी लोग हैं, और जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड है कम से कम यहाँ के लोकल लोगों के लिए वो चीज़ें स्थायी रखी गई थी, लेकिन उसमें भी भोजपुरी, मगही जैसे भाषाओं को ऐड करके, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती और हमारे लिए बहुत आगे जाके हम युवाओं के लिए भी बहुत तकलीफ की बात है। अगर हम होगा कि जैसे भी झारखंड में राजनीति का अस्थिरता शुरू हुआ, मुख्यमंत्री के स्तर पर या कैबिनेट के स्तर पर कई डिसीजन लिए गए, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना, फिर जो सहायक पुलिसकर्मी उनके लिए एक्सटेंशन देना, कई ऐसे काम है जिसका आपने देखा होगा मुख्यमंत्री आवास में हर दिन मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए पहुंच रहे हैं, तो आपको लगता है कि सरकार थोड़ा पॉजिटिव हुई है इन तमाम चीज़ों को लेकर के? वो तो सब पुरानी वो सब तो पुराना चीज़ है, उसके लिए मान लीजिए सरकार एक्टिव है, तो हम नए अभी जो पीढ़ी ग्रो अप कर रहे हैं वो हमारा लाइफ तो ऐसे भी चौपट है। आप हमारे साथ ना बेरोजगारी भत्ता दे पा रहे हैं, ऊपर से अलग अलग सब्जेक्ट को भी ऐड कर दे रहे हैं जिससे हमें कठिनाई होगी ना। अभी मान लीजिए हम नागपुरी बोलते हैं, अब उसमें आप नागपुरी भाषा में हम मान लीजिए अगर मार्क्स ही निकलता हम उसे पास करके अपने आप को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो बाहरियों को खुला ऑफर हो जा रहा है कि वो हमारे प्लेस को खा जाएंगे। जो थर्ड फोर्थ ग्रेड भी उसमें भी अगर वही ऐड होते हैं तो फिर हम क्या करेंगे ना, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल की बात है। और अगर अभी इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग युवा है, युवा के साथ खिलवाड़ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए हमें जानकारी है, अगर हम आज लड़े तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम लड़के उनको कुछ दे पाएँ तो बहुत अच्छी बात है।
ये तो है कि बिहार से ही हम लोग अलग हुए हैं और झारखंड का अस्तित्व आज अलग है, लेकिन उसकी उसका प्रभाव, उसका छाया तो रहेगा, वो पूरी तरह से खत्म हो ऐसा तो नहीं लगता। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, इसका मतलब थोड़ी हम खुला छोड़ दे, आप रहिए यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई कीजिए, पढ़ने आए कीजिए, लेकिन यहाँ की जो नियमावली है, नीति है, उसमें आपको थोड़ी शामिल करेंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे, अभी हम बिहार जाएंगे, बंगाल जाएंगे, हमको कोई जॉब देगा वहाँ पे? झारखंडी जानते हो तो वहाँ बिहार बंगाल से तो लात मार के भगाता है। महाराष्ट्र जाइए, जाइए वहाँ पे मांगने कोई देगा आपको? आप वहाँ पे रहिए, कमाइए, खाइए, पढ़िए लिखिए, लेकिन आप वहाँ पे नियमावली जो नीति है, नियोजन नीति है, आप उसमें हक अधिकार मांगिएगा तो आपको कोई देगा? चप्पल से मार के भगाएगा, तो फिर हम झारखंड में क्यों चुप रहे हैं? हमको इसके लिए आवाज उठाना है, लेकिन हमारा जो वर्तमान का सीएम है वो तो खुला सबको ऑफर दे दे रहा है, इसके लिए उन्हें भी सोचना चाहिए। वो मूल निवासी है, यहाँ के सीएम है, आपको बहुत जनता बहुत भरोसे के साथ आपको वोट देके सीएम बनाइए, लेकिन यहाँ के युवाओं को कुछ समझिए, उनकी बातों को रखिए और जल्दी से जल्दी, अगर ये सब, अगर झारखंड को जलने से बचाना है तो 1932 खतियान और नियोजन नीति आपको लागू करना होगा किसी भी कीमत पर। आप बार बार जो बोलती है कि जलने से बचाना, इसका क्या मतलब? हम थ्रेट माने सरकार, युवा भड़क गया है, युवा भड़क गया, आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो ऑब्वियस हम लोग अभी आंदोलन हम क्यों नहीं करेंगे? हमारी बातें आप सुन नहीं रहे, हम ही से ना सरकार बना है, हमारी बातें नहीं सुनिएगा तो ऑब्वियस है कि हम आंदोलन करेंगे ही, और लोगों को लोकतांत्रिक ही रहेगा, जानकारी नहीं है। उन जगह जगह पंचायत स्तर से जाके, राज्य स्तर जाके, प्रखंड स्तर जाके लोगों को बताएंगे कि आप समझिए ये बात क्या हो रहा नहीं हो रहा, और हमें पता है कि हम जाके बोलेंगे तो लोग हमारा साथ देंगे। अपने अपने हक के लिए कौन नहीं लड़ना चाहेगा? यहाँ के जो मूल निवासी या आदिवासी लोग हैं, अपने उनका हक छीनेगा तो हम तो लड़ेंगे ना, हम बुढ़वा का आदिवासी थोड़ी है जो पहले जो कुछ भी बता दिया, हमारा दिमाग घुटना में अब नहीं है। यहाँ का युवा आदिवासी मूल निवासी समझ चुका है कि पहले जो आता था खा के चल जाता था, लेकिन अब ना खाने भी देंगे ना पचाने देंगे, हम अपने हक की लड़ाई लड़के रहेंगे। आपका जो आदिवासी है जागरूक है, पढ़ा लिखा है, उनको पता है अच्छा बुरा क्या है? जी बिल्कुल, नहीं पता तो उसे बताने का काम करेंगे ना, हम किस लिए बैठे यहाँ पे? उन्हें बताएंगे और बोलेंगे अपने हक के लिए लड़ो, आगे फ्यूचर में आने वाले लोग हैं उनके लिए लड़ाई करो, और वो क्रमबद्ध तो तरीके से चल ही रहा है। जो मुख्यमंत्री हैं खुद भी तो आदिवासी, वो भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको भी तो पता है कि अच्छा है क्या बुरा है। खिलवाड़ कर रहे हैं हम युवाओं के साथ, बोले 1932 खतियान लागू करेंगे, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में अपना जारी किया था बेरोजगारी भत्ता, कम से कम बेरोजगारी भत्ता भी दे, तो अभी राजस्थान छत्तीसगढ़ राजस्थान में मुझे पता है कि बेरोजगारी भत्ता स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ झारखंड में उन्होंने बोला था लेकिन अभी ये चीज़ हुआ नहीं है। तो मुख्यमंत्री से बस यही, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यही अपील है कि आप अगर युवाओं को अगर आगे बढ़ते देखना चाहते तो 1932 खतियान और नियोजन नीति लागू कीजिए, बाहरी भाषाओं के यहाँ शामिल मत कीजिए। अभी आप जैसे तमाम जो लड़कियाँ हैं छात्राएं हैं, आप लोगों का फोकस क्या है, आंदोलन पर है या पढ़ाई लिखाई पर है? पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आंदोलन भी करेंगे हम। क्यों डाइवर्ट होगा? नहीं क्यों होगा? आज ऐसे सब भाई बहन आए तो ऐसा थोड़ी कि सब पढ़ना छोड़ देंगे, पढ़ाई के साथ साथ हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा और चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री तक ये कान में बात उन्हें जाने चाहिए कि आपको नियोजन नीति और 1932 खतियान जल्द से जल्द लागू कीजिए। पढ़ाई तो ज्यादा जरूरी है आंदोलन, क्योंकि अगर आंदोलन नहीं हुआ तो फिर पढ़कर क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। जो पहले हक उसके बाद पढ़ाई, अगर हम पढ़ भी लिए और डिग्री ले भी लिए और जब नहीं मिला हमको अपना हक तो फिर क्या फायदा उस डिग्री का? उसको क्या माचिस से जलाना है या बस रखना शो करना है? शो नहीं करना है, कुछ तो आगे फ्यूचर संभालना है ना, देखना है ना, अपना पीढ़ी सुधारना है, अपना अगला पीढ़ी सुधारना है। और जब तक हम नहीं आंदोलन करेंगे, अपना हक नहीं लेंगे तो क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का? पहले आंदोलन फिर पढ़ाई, प्राथमिकता आंदोलन को मिलेगी। इन तमाम छात्राओं से बात करके एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और सड़कों पर ये आंदोलन और जोर शोर से नजर आएगा, लिहाजा आप सरकार को ये समझना है कि इनकी बातों को वो किस रूप में लेती है, किस तरह से समझती है, क्योंकि बाहरी भाषाओं का विरोध आज से नहीं जमाने से हो रहा है, लेकिन सरकारें चाहे जो भी सत्ता में हो इन बातों को पूरी तरीके से समझ नहीं पाती है या समझना नहीं चाहती है। वर्तमान सरकार चूंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, आदिवासियों मूलवासियों की हितैषी हैं, लिहाजा यहाँ के लोग जो मूल वासी हैं आदिवासी हैं वो ये चाहते हैं कि सरकार कम से कम उनकी तकलीफों को, उनकी परेशानियों को और इनके फ्यूचर को सुरक्षित रखे। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची न्यूज बायोस्कोप से शाहनवाज। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बायोस्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बायोस्कोप ऐप।